गजनी कौन है? ये असली टाइटल है मेरा। वर्ल्ड कप जीतने के बाद सबसे ज्यादा पार्टी किसने की? जो लगता है लो नाम बिंदास और रोहित भाई ने। T20 विश्व कप 2024 जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान और कुछ खिलाड़ी नेटफ्लिक्स पर द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो में दिखाई देंगे। रोहित शर्मा के साथ सूर्य कुमार यादव, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे और अक्षर पटेल नजर आएंगे। इस एपिसोड का एक प्रोमो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस प्रोमो में एक सवाल पूछा गया जिस पर सभी खिलाड़ियों का रिएक्शन देखने लायक था। भारतीय खिलाड़ी मैदान पर जितने गंभीर रहते हैं, ऑफ फील्ड वे उतना ही खुशमिजाज और मजाकिया होते हैं। कपिल शर्मा के इस शो में भी खिलाड़ियों की वही जिंदा दिली और मस्ती देखने को दिखी। इस बीच रोहित शर्मा की भूलने वाली आदत को लेकर सवाल पूछा गया जिस पर सूर्य कुमार यादव का रिएक्शन देखने लायक था। रोहित शर्मा के जवाब पर भी हंसी आ गई। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो का दूसरा सीजन शुरू हो चुका है। इसके 2 एपिसोड प्रसारित भी हो चुके हैं। सीजन का 3rd एपिसोड 5 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर प्रसारित होगा। इस एपिसोड में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा, शिवम दुबे, सूर्य कुमार यादव और अर्शदीप सिंह जैसे कुछ स्टार क्रिकेटर भी हिस्सा लेंगे। सबसे पहले कपिल सभी खिलाड़ियों का शानदार वेलकम करते हैं। इसके बाद कपिल रोहित शर्मा से कहते हैं कि भाई, आप पिछली बार आए थे तो वर्ल्ड कप हार के आए थे, इस बार आप वर्ल्ड कप जीत कर आए हैं, आपको नहीं लगता कि शो आपके लिए लकी है? कपिल के इस बात पर सभी हंस पड़ते हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो के दौरान सभी क्रिकेटर्स ने दिलचस्प सवाल पूछे गए। इसी दौरान शो की जज अर्चना पूरन सिंह से सवाल पूछा, गजनी कौन है? इस सवाल के बाद जब कैमरा सूर्य कुमार यादव की तरफ जाता है तो वह आंखों से रोहित शर्मा की ओर इशारा करते हुए मुस्कुराते हैं। सवाल सुनकर बाकी खिलाड़ी भी हंसने लगते हैं। सवाल सुनने के बाद रोहित कहते हैं, अरे यार, या कहते हुए अपना चेहरा हाथों से छुपा लेते हैं। वह थोड़ी देर बाद खुद से कहते हैं, यह असली टाइटल है मेरे लिए। रोहित का यह जवाब सुनकर वहां मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। इसके अलावा कपिल शर्मा ने सवाल पूछा, T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीतने के बाद सबसे ज्यादा पार्टी किसने की? सवाल पर हर कोई एक दूसरे को देख रहा था। रोहित ने कहा, अरे तुम्हें जो नाम पसंद है ले लो, तो खिलाड़ियों ने रोहित शर्मा का नाम ले लिया। इसके बाद खिलाड़ियों को कुछ भारतीय खिलाड़ियों के नाम दिखाए जाते हैं और सामने वाले खिलाड़ी को अभिनय करके दिखाना होता है। इसमें विराट कोहली, एमएस धोनी के नाम थे। खैर, आप कपिल शर्मा के शो के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें मियो वुल्फ को।